ये देखो गाइस सबसे बड़े तैराक यहाँ के। तो गाइस यहाँ पे बारिश आ चुकी है, बूंदाबांदी आ रही है, लेकिन एक साइड सूजने लगा है तो पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा, पता ही नहीं हो रहा उस पर। तो 10-12 साल हो गए थे। प्लीज़ वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 9, और कल रात को बारिश हुई थी, लेकिन अभी का जो मौसम है वो भी ठंडा हो रखा है। वैसे तो बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम ठंडा है। और निकलते हैं जंगल के लिए, दरवाजे बंद करते हैं और जंगल के लिए चलते हैं, क्योंकि आज पापा भी घर पर नहीं है। पापा सामान लेने गए हैं, जूली के लिए दवाई भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तक मौसम बिल्कुल ठीक था, ठंडा, और अभी धूप आ चुकी है हमारे लिए। तो अभी चलते हैं फिलहाल, और चारों तरफ पहाड़ों में हरियाली हो गई है, सारे पेड़ हरे होने लग गए हैं। देखो यहाँ पे जंगल में पहुँच चुके हैं, और अभी फिलहाल मम्मी लोग तो घास काटने के लिए चले गए हैं, मैं बकरियों को देख रही हूँ फिलहाल। अभी तो थोड़ी देर में मैं भी ऊपर चली जाऊँगी जहाँ पे मम्मी लोग हैं, नहीं तो बकरी घास नहीं काटने देती मम्मी लोगों को, तो इसलिए मैं आ रही हूँ नीचे साइड और मम्मी लोग थोड़ा सा ऊपर में हैं। तो गाइस अभी हम घर के लिए जा रहे थे, और यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा मतलब तेज़ धूप लग चुकी है, ये देखो। गाइस गुड इवनिंग, तभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और यहाँ पे हमारी चाय वगैरह सब कुछ हमने पी ली है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ और अंदर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम तो अभी वैसे ही है, धूप लगी हुई है, तो इसीलिए मैंने पंखा खोल रखा। तो मैं अंदर बैठ चुकी हूँ, और तो जो हमारी जूली है उसके लिए पापा दवाई लेके आ गए हैं, तो आज से ही उस पर वाली दवाई भी लगाने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका मुंह भी सूजने लगा है। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, मतलब कुछ ऐसा किस चीज़ ने काट दिया जो कि ऐसा हो गया, क्योंकि जब वो शाम को गया था हमारे साथ तभी से उसके मतलब कान में सूजन आ गई थी, तो हमें लगा कि मधुमक्खी ने काटा होगा, लेकिन क्योंकि जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे मधुमक्खी भी थी। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, ठीक मतलब दवाई लगाते हैं, और अभी फ़िलहाल घर का सारा काम ऐसे ही है, तो पहले घर का काम करते हैं उसके बाद आपसे मिलेंगे। हम आ चुके हैं, हम आ गए हैं जंगल फिर से, और ये देखो शाम का वेदर, ये देखो गाइस सबसे बड़े तैराक यहाँ के, मतलब सारी सर दिख रहा, बाकी सारा नहाने के लिए लेटा हुआ है, भैंस है ये। तो गाइस यहाँ पे बारिश आ चुकी है, बूंदाबांदी आ रही है, लेकिन तभी हम घर के लिए जा रहे हैं, ये देखो। गाइस रात के बज चुके हैं 10, और आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं बनाया, क्योंकि घर में एक तो दिक्कत चल रही है कि जो हमारे यहाँ जूली है, जो हमारा कुत्ता है पैग, उसका मतलब उसके कान ना बहुत ज़्यादा हो गया, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा दवाई लेके आए थे और दवाई भी डाल दिया है, तो अभी तक कोई फ़र्क तो दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि उसके कान में है क्या, और उस पर आवाज़ होती तो वो बोल भी देता है कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसको हमारे साथ 10-12 साल हो गए थे क्योंकि उसको 10-12 साल हो गए थे हमारे साथ, मतलब हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो हमारा घर का एक सदस्य है। तो इसलिए दिक्कत ये है कि हमें भी पता नहीं है कि उसको आखिर प्रॉब्लम क्या है, हमें तो बस कान सूजन दिख रही है, और अभी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है क्योंकि उसका पूरा एक साइड सूजने लगा है, तो पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। अभी फ़िलहाल दवाई तो मैं पूरा लगा रही हूँ उस पर, और इतना इतना मैंने ना अपना एक हाथ घुसाया उसके कान पे कि तब तो ठीक होगा, लेकिन कल 2-3 दिन से मैं लगातार दवाई लगा रही हूँ, मम्मी और मैं रात दिन सुबह तीनों चारों टाइम हम दवाई लगा रहे हैं, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा उस पर। तो आज पापा फिर दूसरी दवाई लेके आए, और यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम पशु डॉक्टर को ही बुला लें ना, वो आएगा 1-2 हफ्ते के बाद, वो भी आता है कि नहीं आता उसको कुछ भरोसा नहीं रहता,
तो यही दिक्कत है, गांव में रह के सुविधाएं नहीं मिलती हर चीज़ के लिए। और वो तो हमारा फैमिली मेंबर है एक, हमारे साथ 12-13 साल हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैं ठीक कर लूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है हमारी, बाकी भगवान की इच्छा रहेगी। जो वैसे मेरा दिल कह रहा है कि वो ठीक ही होगा, कुछ नहीं होगा उसको, तो दिखाती हूँ मैं आपको उसका कान। ये गाइस, आज का ब्लॉग यहीं बैन कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।